हेलो गोइंकंस, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आपके पास एक नया पाठ लेके आई हूँ जो हमने कल से पढ़ा था, परसों से पढ़ा है, जिसका शीर्षक यानी टाइटल था जीवनिक संघर्ष। उस कहानी का हम आज अंतिम अंश लेके आए हैं जिसका हम मौखिक वाचन कर लेंगे और तथा कुछ थोड़े से प्रश्न प्रणाली कार्य भी कर लेंगे। तो ये अपनी पाठ्यपुस्तक निकाल के अपने सामने रखो, तो जिसका पृष्ठ संख्या है 22 to 23, क्योंकि हमने उससे पहले 20 to 21 तक पढ़ लिया था। तो चलो बच्चों आरंभ करते हैं। जीवन एक संघर्ष, वो तो हमें पता है कि जो हमारी ज़िंदगी है वो एक संघर्ष है, वो एक स्ट्रगल है। किस्सा सुनकर दादाजी अंश का चेहरा देखते रहे। जब उसने पूरा किस्सा सुनाया अंश को, सारी कहानी सुनाई परमात्मा के बीच की, वो जो फसल थी उसको तो कैसे बारिश दी और कैसे फिर उसकी फसल जो थी वो खाली वहाँ पे घास फूस ही था, उसमें दाने नहीं थे। तो उसके बाद जब ये किस्सा सुनकर दादाजी अंश का चेहरे देखते रहे, जब उसने कहानी सुनाई तो अभी अंश की ओर देख रहा था, तो क्या कह रहा था, अंश के चेहरे पर निराशा के स्थान पर जिज्ञासा नजर आई। तो अंश का जो चेहरा था उधर उसको निराशा नहीं समझ आई, उदास नहीं था चेहरा, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी थी, यानी उसमें जिज्ञासा थी। वो कुछ जानना चाहते थे दादाजी से, इस कहानी के तुरंत बाद वो कुछ जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे, दादाजी मुझे बताइए चुनौतियाँ क्या होती है। तो अब इसने अंश ने दादाजी से पूछा कि चुनौतियाँ क्या होती है, ये जो आपने बोला चुनौतियाँ होती है तो क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको शब्द अर्थ में बताया, चुनौतियाँ चैलेंज होते हैं, जो हमारी ज़िंदगी की चैलेंज आते हैं, जो भी हमें कोई बोलता है, भड़काव देता है, उकसाव करता है, वो चैलेंज होती है, वो चुनौतियाँ होती हैं। दादाजी बोले, बेटा जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। उसने कहा कि जो जीवन है ना उसका दूसरा नाम स्ट्रगल है। क्या? संघर्ष करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, जूझना है, जदोजहद करना है। सबके सामने कई मुसीबतें आती है, यानी बहुत सारे लोगों को मुसीबतें आती है, तरह तरह की मुसीबतें होती हैं, उन्हें दूर कर अपने लक्ष्य को पाना ही जीवन है। तो उनको, उन मुसीबतों को हम दूर करते हैं तो उसके बाद जब हम अपने लक्ष्य तक यानी अपने गोल तक पहुंचते हैं, चाहे मुझे कितनी सारी बीमार होते हैं या पैसे नहीं होते हैं, खाना पीना नहीं होता है, किसी किसी के पास लाइट नहीं होती है शाम को पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट्स के पास बहुत, अगर हम देखे जाए बहुत सारे अपनी आप बुज़ुर्गों से सुने, जब स्ट्रीट लाइट नहीं थी उनके घर में तो वो बाहर सड़क पर जो लाइट्स होती थी वहाँ पढ़ते थे, और आज वो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने, वो बहुत अच्छे स्तर पे उनका प्रोफेशन है। तो जब उन्होंने बहुत परिश्रम किया, जब उन्होंने बहुत मेहनत की, जब उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तब जाके उनको वो फ्रूट मिला। मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, यानी मनुष्य जो होता है, जो लिविंग, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य है, हमें स्ट्रगल करना चाहिए ज़िंदगी में। परिश्रमी मनुष्य कभी शिकायत नहीं करते, और जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, कंप्लेंट तो कभी करते ही नहीं हैं कि मेरे पास खाना नहीं, मेरे पास ये नहीं था, मैम मैंने इसलिए नहीं पढ़ा था कि मेरे पास वो नहीं था, मुझे कल मैं बीमार था, मेरी मम्मी को ऐसा हुआ था, मेरे पापा को वैसा हुआ था, मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास कॉपी नहीं है। तो वो जो जिनको पढ़ना होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करते हैं, वो कुछ भी जुगाड़ कर लेते हैं, लेकिन तंग नहीं करते हैं टीचर को ना माँ बाप को, वो खुद ही मेहनत करते हैं, कहीं से किसी को दोस्त को पेंसिल लेते हैं, कहीं किसी से कॉपी लेते हैं, पुरानी कागज़ पे लिखते हैं, यानी वो उनको पढ़ने की धुन होती है, उनको काम करने की धुन होती है, वो शिकायतें नहीं करते हैं। वे अपना दोष दूसरों पर नहीं डालते, जो अपनी कमी है ना उनको, वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो अपनी उसके, इसलिए अगर हमें कोई काम नहीं करना होता है फिर हम शिकायत करते हैं, मम्मी इसने, भाई ने कुछ करने नहीं दिया, मम्मी बहन ने कुछ करने नहीं दिया, मैं करना चाहता था, वो कॉपी ले रहा था। तो हम लोग ये सारी क्या कर रहे हैं, शिकायतें करते हैं, हम लोग ये सब झूठ मूठ के बनाते हैं ताकि हम काम ना करें और किसी और पर ये दोष हम डालते हैं, यानी अपना जो गुनाह होता है वो किसी और के सर मथते हैं। तो उसके बाद क्या है, दादाजी मैं बहुत मेहनत करूँगा। अब अंश ने क्या कहा, दादाजी मैं बहुत मेहनत करूँगा। जब उसने ये सब सुना कि चुनौतियाँ क्या होती है, संघर्ष क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, मेहनत करना किसे कहते हैं, तब उसने बोला कि दादाजी अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं अब बहुत मेहनत करूँगा, अब मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, अब मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बीमार होता हूँ, बिजली नहीं होती है, या कभी पेपर लंबा होता है, कभी छोटा होता है, कभी टीचर घुमा फिरा के पूछता है, या कभी पहले पेपर लेता, अब मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, अब मैं बस मेहनत पर ध्यान दूँगा।
कक्षा में प्रथम आऊंगा और देख लेना मैं फर्स्ट आऊंगा क्लास में। प्रथम आना यानी फर्स्ट आऊंगा, अंश ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अब उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, अब उसको कॉन्फिडेंस इतना आया था उस ये स्टोरी सुनने के बाद, उसने बोला नहीं। अब तो उसका आत्मविश्वास इतना जग गया था, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया था, उसने बोला कि अब मैं कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, अब मैं हमेशा प्रथम आऊँगा। ये उसने बिल्कुल बोला कॉन्फिडेंस से, जैसे लग रहा था कि कल ही वो फर्स्ट आएगा। तो फिर हमारा पाठ्यपुस्तक कार्य इसमें था क्या था, पहला वाला हमारा था निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये जो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर है तो क्या लिखना है, पहला वाला वो जो हमारे दो क्वेश्चन थे, मतलब दो प्रश्न थे, उसमें ये वाला था फसल कटने पर किसान उलझन में क्यों पड़ गया। तो ये तो आपने पता होगा कि क्यों पड़ गया, यहाँ लिखा क्योंकि वहाँ गेहूँ नहीं खाली छिलके थे बगैर गेहूँ के, ठीक है ये मैंने लिख दिया है। फिर हमारा दूसरा है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखिए, उसमें है अंश का मुख क्यों लटका हुआ था, क्योंकि अंश के पापा ने उसे जीरो पुकार के बुलाया था, ठीक है। फिर हमारे ये सारे प्रश्न ऐसे ही लिखे, आप देख लीजिए इनको मैंने उत्तर लिखा है रेड से, हम लिखा है मैंने प्रश्न और उत्तर मैंने लिखे हैं ब्लू से, ये आपने अपनी नोटबुक पे सब कुछ उतारना है वैसे का वैसा ही। तो आगे की जो प्रश्न प्रणाली इसमें कुछ बचते हैं वो हम कल करते हैं, तो कल आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दीजिए, धन्यवाद।